हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो अपनी बाइक को बनाएंगे सिंगल पुश सेल्फ स्टार्ट बाइक। आपको जो है सिंगल एक बार सिर्फ इसको जो है ऐसे प्रेस करके छोड़ देना, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आपको लंबे समय तक इसको प्रेस करके नहीं रखना पड़ेगा, सिंगल एक टैप में ही आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये ऐसे होती है। आपको जो है लंबे टाइम तक इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, ऐसे सिंगल एक टैप पे जो है ये बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको क्या चाहिए होगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो गाइस, डायग्राम से पहले मैं आपको बता दूँ, एक आपको छोटी जो है मिनी रिले चाहिए होगी 12 वोल्ट वाली, और एक आपको जो है डायोड चाहिए होगा। आप कोई सा भी जो है डायोड ले सकते हो, किसी पुराने सर्किट बोर्ड से भी ये निकल जाएगा। और एक आपको चाहिए होगा 4700 माइक्रोफेरेड का एक 35 वोल्ट का आपको जो है एक कैपेसिटर चाहिए होगा। तो ये टोटल तीन चीज़ें चाहिए होगी, और अभी मैं आपको जो है इसकी डायग्राम जो पहले मैं बता देता हूँ, देन उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। तो वैसे अभी होगा क्या, जैसे हम सेल्फ का बटन दबाएंगे, ये डायोड के ज़रिए जो है इस रिले को एक्टिवेट करेगा। और रिले में हमने जो है एक यहाँ पे जो है एक कैपेसिटर लगा रखा है जो कि चार्ज को स्टोर करेगा, और ये जो है कुछ टाइम के लिए, मान लो 3 सेकंड के लिए रिले को जो है एक्टिवेट ही रखेगा। तो यहाँ पे जो है कॉमन टर्मिनल जो है नॉर्मली ओपन से ऐसे अटैच हो जाएगा, जैसे कि हमारी जो सेल्फ जो है थोड़े टाइम के लिए जो है ऑन ही रहेगी। तो इस तरह से ये काम करेगा सिस्टम। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने सेम टू सेम इसको बना लिया है। अभी सीधे इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस, बाइक में कनेक्शन काफ़ी ईजी है। यहाँ पर जो है एक नेगेटिव की है, एक पॉजिटिव की है वायर, आप देख सकते हो, एक ग्रीन और एक ब्लैक। और यहाँ पर दो येलो कलर की वायर है, एक जो है हमारी जो सेल्फ का जो इनपुट आएगा और दूसरा आउटपुट जाएगा। तो क्या सिंपली हमें जो सेल्फ की यहाँ पे येलो कलर की वायर है, ये बटन से आ रखी है, इसको निकालना है इस तरह से। तो यहाँ पे एक इनपुट वाली वायर को यहाँ पे लगा देना है, और आउटपुट वाली जो वायर है उसको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ से इसको निकाला है। और यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की वायर है, सो पॉजिटिव की यहाँ पे एक ब्लैक कलर की वायर के साथ इसको लगा देना है, और जो नेगेटिव की वायर है उसको यहाँ पे किसी भी जो है ग्रीन कलर की वायर से आप लगा सकते हो सप्लेंडर में, वो नेगेटिव की होती है। तो इतना इसका कनेक्शन है, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने की को ऑन किया, और यहाँ पे जैसे मैं एक बार बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो ये 2-3 सेकंड के लिए हमारी जो रिले है वो एक्टिवेट होती है, और ये सेल्फ जो है 2-3 सेकंड के लिए जो है ये चलती रहती है। आप देखना, एक बार फिर से करता हूँ। सो भाई, इस तरह से ये जो सिस्टम है ये काम करेगा। अभी इसको जो है पूरे को मैं पैक कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो है इसको एक डिब्बी में ऐसे पैक करके इसको टेप कर देता हूँ अच्छे से, ताकि इसका जो कनेक्शन है वो जो है लूज़ ना होने पाए। सो गाइस, टोटल बाइक को भी मैं बंद कर देता हूँ, और अभी इसको एक बार चेक करके देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो ये प्रॉपर अभी जो है अच्छे से काम कर रहा है, और अभी मैं आपको एक बार फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ। सो गाइस, कुछ टाइम के लिए ये सेल्फ जो है हमारी ऑन रहती है। सो इस तरह से गाइस, आप भी अपनी बाइक को जो है सिंगल टच जो है सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है बना सकते हो। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।